हाय सो गाइस, ये वीडियो बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी ड्राइंग पर होने वाली है और मैं सोच रहा हूँ एक सीरीज़ बनाने की एनाटॉमी ड्राइंग पर। बट मैंने पहले भी आपसे वादा किया था कि मैं कंसिस्टेंट वीडियो बनाऊँगा और मैं नहीं बना पाया, तो इस बार मैं आपसे कोई वादा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कोशिश करूँगा वीडियोज़ बनाने की। क्योंकि इस वीडियो में सबसे पहले मैं मेल बॉडी बनाऊँगा और फिर हर एक पार्ट को अलग अलग तीन एंगल से बनाकर दिखाऊंगा, फ्रंट व्यू से, थ्री फोर्थ व्यू से और साइड व्यू से। तो फ्रंट और साइड व्यू थोड़े आसान होंगे, जबकि जो थ्री फोर्थ व्यू है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि थ्री फोर्थ व्यू थोड़ा डायनेमिक होता है। तो इस ट्यूटोरियल के लिए मेरे पास बहुत सस्ती सी स्केच बुक है, मुश्किल से 25-30 रुपये की है ये, और ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, ठीक है। और मेरे पास पेंसिल है नटराज की, जो कि सबसे कॉमन पेंसिल होती है, और ये 4 रुपये की है। और एक इरेज़र है 3 रुपये की, और शॉर्पनर लगभग 5 रुपये का। तो ये कुल मिला के मेरे पास 40-42 रुपये का सामान है, पूरे 50 रुपये का भी नहीं है। मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। तो एक्चुअल ड्राइंग करने से पहले हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, उसके लिए सर्कल्स बनाकर देखेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ओवल और लाइंस, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल, वर्टिकल, डायगोनल, इस तरह से। और ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, मैं ऑलरेडी पहले वीडियोस में ही बता चुका हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा करके देखनी है, बहुत बार आपको सर्कल्स बनाकर देखने हैं। अब 20-25 हज़ार सर्कल्स बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप रोज़ 300 सर्कल्स भी बनाओगे तो लगभग एक महीने में 9,000 हो गए, और 3 महीने में लगभग 27,000, और राउंड फिगर कर लो लगभग 30,000 3 महीने में बन जाएंगे। इस तरह से बहुत सारी हैंड एक्सरसाइज होती हैं, ज़िगज़ैग, वेवी लाइंस, मतलब बहुत कुछ। मगर मेरा मानना यह है सिर्फ कि अगर आप सर्कल्स और लाइंस बना लो ना सिर्फ, तो वही काफ़ी हैं, ठीक है। सर्कल और लाइंस काफ़ी हैं, बाकी और चीज़ें बाद में। तो अब एक्चुअल ड्राइंग शुरू करेंगे। तो मैं एक मेल बॉडी बना रहा हूँ और इसमें हम मेल एनाटॉमी ही करेंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं, बट जो तरीका बता रहा हूँ ये मेरा तरीका है, एक्चुअली मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ तो उसका नतीजा है। तो सबसे पहले टॉर्सो के लिए देखेंगे, तो 2 फिंगर के सेगमेंट के बराबर टॉर्सो की लंबाई होगी इतनी, ठीक है। और फिर लेग्स होंगे लगभग 3 फिंगर सेगमेंट के बराबर, ठीक है, इतना। तो बॉडी प्रोपोर्शंस पर मैं वीडियो एक अलग से बनाऊंगा डिटेल में, फ़िलहाल इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मुख्तसर सा, बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह से फिर हम लेंथ ले लिए टॉर्सो और लेग्स की, फिर उसके ऊपर हम ड्राइंग बना देंगे। तो जिन्हें एक्चुअली नहीं पता कि टॉर्सो क्या होता है, उन्हें बता देता हूँ कि गर्दन से लेकर वेस्ट तक जो हिस्सा होता है वो टॉर्सो होता है, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो कि सिर और हाथ पैर छोड़कर जो भी हिस्सा बचता है वो हमारा टॉर्सो होता है। एक और तरीका है ह्यूमन बॉडी बनाने का, और इसमें भी 2 अलग अलग राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 7.5 हेड के बराबर हमारी पूरी बॉडी होती है, और कुछ लोग कहते हैं कि 8 हेड के बराबर होती है। तो वह 7.5 और 8 में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और दोनों ही ठीक है मेरे हिसाब से। तो और यहाँ पे मैं 8 हेड ले रहा हूँ, ठीक है। तो 8 हेड ले लिया, तो 1 हेड के बराबर तो हमारा फेस हो जाएगा, ठीक है। फिर शोल्डर की जो चौड़ाई होगी वो 2 हेड अगर लंबाई में रख दो उतनी होगी, ठीक है। और फिर पैलेस वाला हिस्सा होता है उसकी चौड़ाई इतनी होगी जितनी कि 2 हेड लंबाई में होते हैं अगर साथ में रख दिए जाएं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और फिर पैर होते हैं 4 हेड की लंबाई के बराबर, और टॉर्सो होगा लगभग 2.5 हेड की लंबाई के बराबर, ठीक है। ये जो भी मैंने आपको बताया कि 8 हेड से कैसे पूरी बॉडी प्रोपोर्शन में बनाई जाती है, तो ये भी मैंने बहुत ब्रीफली बताया आपको, एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ अभी, ठीक है। पूरी डिटेल से इस पर वीडियो बनाऊँगा। अब देखो, उसके बाद जो हमारा फेस होता है उससे थोड़ा सा छोटा हमारा हाथ होता है, ठीक है। और हमारे फेस से थोड़ा सा बड़ा हमारा पैर होता है, मतलब पैर का पंजा। फिर अलग अलग एंगल से फेस की प्रैक्टिस करके देख लेंगे।
तो फ्रंट फेस का मैंने ट्यूटोरियल में ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसके बाद फिर 3/4 व्यू का मैंने अभी नहीं बनाया है, वो भी ड्यू है, वो आएगा। और फिर उसके बाद आता है साइड फेस, साइड फेस का भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब मैं आपको टॉर्सो बना कर दिखाऊंगा तीन अलग एंगल से। तो पहले फ्रंट व्यू से बनाऊंगा, तो उसके लिए मैंने एक बॉक्स बना लिया है ओवरऑल अंदाज़े के लिए, और इसके अंदर बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने ट्रेपीजियम बनाया है, और ये है चेस्ट के लिए, और अब इसमें करेक्ट होंगे हाथ, ठीक है। और उसके बाद जो बैक है वो आके हाथ में कनेक्ट होगी, ठीक है, वो चेस्ट में कनेक्ट नहीं होगी, ये चीज़ याद रखना। तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन में बनाया है, बट अभी मैं इसे रेस करके जो एक्चुअल कर्व्स होते हैं हमारी बॉडी में उस तरह से बनाकर दिखाऊंगा। उसके बाद मैं 3/4 व्यू से टॉर्सो बनाऊंगा, और उसके लिए पहले बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये बॉक्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं, ये फ्रंट में और साइड से अगर आप बना रहे हो तो ज़रूरत नहीं है, मगर जब एंगल थोड़ा सा भी तिरछा होता है तो जैसे चाहे वो फेस हो या टॉर्सो या कोई कार हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो 3D चीज़ होती है, जब उसका एंगल थोड़ा सा भी अप साइड डाउन या कुछ इस तरह से 3/4 व्यू होता है तो उसमें एक पर्सपेक्टिव लगता है, ठीक है। वो थोड़ा ज़्यादा डायनेमिक दिखाने के लिए पहले आपको एक बॉक्स बनाना पड़ता है उसके रफ़ इमेज के लिए। तो ये मैं पहले सोचता है इसे फालतू होता है, बट ये फालतू नहीं होता, ये ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप एक बॉक्स बनाएंगे, और फिर जब आप उस पर एक्चुअल ड्राइंग रखेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा एक तरह से उभरा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं एक टॉर्सो बनाऊंगा साइड से, तो उसके लिए मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ जो चेस्ट के लिए है, और एक बॉक्स बना रहा हूँ पेल्विस के लिए। तो चेस्ट वाला बॉक्स हल्का सा पीछे की तरफ टिल्ट करेगा, और पेल्विस वाला बॉक्स जो होगा हल्का सा आगे की तरफ टिल्ट करेगा। और इसमें देखो किस तरह से मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, ठीक है, बॉक्स के ऊपर। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, बस जो भी है वो सामने है। अब मैं आर्म बनाकर दिखाऊंगा तीनों एंगल से, फ्रंट से और 3/4 व्यू से और साइड से। तो सबसे पहले फ्रंट से बना रहा हूँ। तो आर्म बनाने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, उसके प्रोपोर्शंस ध्यान में रखने हैं कि शोल्डर के जॉइंट से लेके एल्बो तक और एल्बो के जॉइंट से लेके रिस्ट तक बराबर बराबर होता है, ठीक है, लंबाई में। बट जो मैंने आर्म बनाया है ये इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें क्या किया है कि बाइसेप्स और फोर आर्म की मोटाई ऑलमोस्ट बराबर कर दी है, जबकि आप अगर आर्म्स को फ्रंट से देखोगे तो बाइसेप्स का पतला वाला हिस्सा दिखेगा और फोर आर्म का चौड़ा वाला हिस्सा दिखेगा, मतलब बाइसेप्स का फेस क्लोज होगा और फोर आर्म का फेस खुलेगा थोड़ा सा, ठीक है, कुछ इस तरह का हाथ दिखता है। ये दोबारा में जो आर्म बनाया है मैंने, ये पहले वाले से बेटर है, ठीक है। अब मैं 3/4 व्यू से बनाऊंगा, तो 3/4 में जब मैं बनाऊंगा तो एक हाथ जो है थोड़ा सा छुप जाएगा बॉडी के पीछे, कौन सा, वो राइट हैंड जो है, ठीक है, वो पूरा नहीं दिखेगा, वो बॉडी पे थोड़ा सा छुप जाएगा।
उसके बाद मैंने 3/4 यू से लेफ़्ट आर्म बनाया, बट इसमें गलती कर दी है, एल्बो का कॉर्नर दिखा दिया, जबकि ये एल्बो का कॉर्नर नहीं दिखेगा 3/4 यू से, ठीक है, ये बिल्कुल साइड से दिखेगा। तो अभी मैं इसे रेस करके ठीक करूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं बिल्कुल साइड से आर्म बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने पहले सर्कल्स और ओवल्स बना लिए हैं। इस तरह से अगर बनाओगे थोड़ा आसान रहता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ओवल्स और सर्कल्स की प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है। तो अब इसमें देखो एल्बो का कॉर्नर दिख रहा है, मगर जो ओवरऑल शेप है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस आपको देखना है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग एंगल से शेप बदल जाती है किसी भी चीज़ की, चाहे वो कुछ भी हो। तो इसी तरह से मैं हाथ बना रहा हूँ, तो हाथ की शेप भी आप देखो तीनों एंगल से बदल गई है, थोड़ी बदली है बट बदली है, तो डिफरेंस आपको देखना है वो कहाँ आ रहा है, वो माइनर सा डिफरेंस है जो कि आपको हर एक आर्म में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो एक बार और आर्म बनाकर देख लेते हैं साइड से। जो ही मैंने साइड से बनाया है, इसका फोर आर्म हल्का सा थोड़ा सा हैवी हो गया है, तो अब दोबारा में वो थोड़ा करेक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो यह आर्म थोड़ा ठीक लग रहा है इससे पहले वाले से। तो देखो डिफरेंस ये है फ्रंट और साइड व्यू में, फ्रंट में बाइसेप्स का पतला वाला हिस्सा दिखता है और फोर आर्म का चौड़ा वाला हिस्सा, जबकि साइड में उल्टा हो जाता है। साइड से अगर देखोगे तो बाइसेप्स का चौड़ा वाला हिस्सा दिखता है और फोर आर्म का पतला वाला हिस्सा, ठीक है। अब इसी तरह से जो हमने आर्म्स बनाए थे उनके हैंड बनाकर देखेंगे, ठीक है, जो फ्रंट से जो आर्म है उसका हैंड कैसा दिखेगा। तो वो देखो थोड़ा सा उसे ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप बना सकते हो, रफ स्केच बना सकते हो, उसके बाद उसमें फिर इस तरह से ड्राइंग कर सकते हो। देखो जो 3/4 व्यू है उसका राइट हैंड बिल्कुल ऐसे बनेगा जैसे कि फ्रंट से राइट हैंड बन रहा है, ठीक है, बट 3/4 व्यू का लेफ्ट हैंड जो है वो डिफरेंट होगा, उसका फेस थोड़ा ज़्यादा खुलेगा। तो कैसे बनेगा वो, कुछ इस तरह से बनेगा, उसकी देखो चार उंगली नज़र आएंगी। और हाँ, आर्म और हैंड में कन्फ्यूज मत होना, आर्म जो होता है वो बेसिकली शोल्डर के जॉइंट से लेके और रिस्ट के जॉइंट तक जो हिस्सा होता है वो आर्म होता है, और हैंड जो होता है वो होता है हथेली और उंगली, मतलब जिससे आप कोई चीज़ पकड़ते हो, ठीक है, वो होता है हैंड। तो मैं साइड से हैंड बना रहा हूँ, तो उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी उसे ब्रेक डाउन कर रहा हूँ और सिंपल बिगर शेप्स में बना रहा हूँ। तो आप भी पहले इसी तरह स्केच किया करो, पहले चीज़ों को बिगर शेप्स में ब्रेक किया करो, ठीक है, उसके बाद उसे स्केच किया करो ऊपर से। तो जिस तरह से मैंने आर्म्स बनाकर दिखाए थे आपको तीनों एंगल से, अब मैं पेल्विस बनाऊंगा तीनों एंगल से, फिर लेग्स और फिर फीट्स, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, आप देखकर समझ जाएंगे। तो वॉइस ओवर यहीं तक था, बाकी आगे म्यूज़िक है।